पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड में प्रवक्ताओं की नई भर्ती निकाली है। इसके लिए यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने कितने पोस्ट हैं विषयवार, और सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में प्रवक्ताओं की पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए यहाँ पर बताया गया कि प्रवक्ता वाणिज्य में एक पोस्ट रखा गया है, समाजशास्त्र में भी एक है, इतिहास में एक है, कला में भी एक है, कृषि विज्ञान में एक है, जीव विज्ञान में एक है। यहाँ पर प्रवक्ता के साथ साथ आपके यहाँ पर लिपिक की पोस्ट है और लैब सहायक की पोस्ट भी रखी गई है, जिसमें भौतिक के लिए एक पोस्ट है, रसायन के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट रखी गई है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए दोस्तों अन्य पोस्ट भी हैं प्रयोगशाला में, जिसमें कृषि का भी एक पोस्ट रखा गया है, रसायन का एक कोर्स, बायो का भी एक पोस्ट, दो आपका यहाँ पर रखे गए हैं, चतुर्थ नहीं दो कृषि के लिए रखे गए हैं और चतुर्थ श्रेणी के लिए 6 पोस्ट रखी गई हैं। ये आपका निकल के आ रखा है श्री सत्यनारायण मंदिर इंटर कॉलेज, जो कि हरिद्वार में है, और ये वित्त विहीन जो आपकी व्यवस्था के अंदर रखे जाते हैं प्रवक्ता, इसकी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, अभी बहुत टाइम है, 10 दिन का समय है, और ये ऑफलाइन तरीके से है। फॉर्म आपको इसी स्कूल में मिलेगा, ठीक है, या आपका जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये दो तरीके हैं, और ये आपका ऑफलाइन तरीके से 19 तारीख तक आप यहाँ पर इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। क्वालिफिकेशन आपका वही रहता है जो गवर्नमेंट स्कूल में रहता है सबके लिए, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन है वही आपका रहेगा, जो भी योग्यता प्लस UPSC जो निकालते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके रहना है, जिसमें लैब असिस्टेंट वाला है या आपका जो प्रवक्ता वाला है या फोर्थ क्लास वाले पोस्ट हैं, इन सभी के लिए, तो इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं।